हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है पछतावा। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। बंटी अभी अंदर पानी पीने ही गया था कि ढाबे का मालिक सरदार फूल सिंह चिल्ला पड़ा, कहाँ मर गया बंटी? देख नहीं रहा, ग्राहकों के आने का समय हो गया है, जल्दी से टेबल पर कपड़ा मार। सुबह 5 बजे से बंटी काम पर लगा हुआ था, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। दोपहर की गर्मी में अभी उसने सारी टेबलों पर कपड़ा मारा था, लेकिन तेज हवा से मिट्टी उड़कर फिर से टेबलों पर आ गई थी। बंटी जल्दी से पानी पीकर बाहर आया और कपड़ा लेकर टेबल साफ करने लगा। आज उसने नाश्ता भी नहीं किया था। नाश्ता उसे तभी मिलता था जब ढाबे पर रात को खाना बच जाता, लेकिन ग्राहक ज़्यादा होने के कारण रात को खाना नहीं बचा। बंटी की भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फूल सिंह जैसे ही उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। वह जल्दी जल्दी सफाई कर रहा था, तभी सामने के ऑफिस में लंच का समय हो गया। थोड़ी देर में पूरा टेबल भर गया और ढाबे पर काफ़ी भीड़ हो गई। बंटी और उसके साथ के नौकर भाग भाग कर ऑर्डर ले रहे थे, सफाई कर रहे थे। इधर मास्टर फूल सिंह चिल्ला चिल्ला कर काम करवा रहा था। अपने नौकरों से उसे कोई मतलब नहीं था, उसे बस गले में आ रहे पैसों से मतलब था। बंटी का असली नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे छोटू छोटू कहकर बुलाते थे। लंच टाइम के बाद करीब 4 बजे तक ढाबे पर कोई ना कोई आता रहता था। साफ सफाई के बाद फूल सिंह ने देखा कि थोड़ा खाना बचा है, वह बोला, चलो तुम लोग भी जल्दी से खाना खा लो, फिर शाम के खाने की तैयारी करो। और सुन विक्रम, इनमें से किसी को भी पनीर की सब्ज़ी मत देना, रात को चला लेंगे। विक्रम जो वहाँ खाना बनाता था वह बोला, मालिक कल की सब्जी है, शाम तक तो ख़राब हो जाएगी। तब फूल सिंह बोला, अच्छा चल दे इन्हें थोड़ी सी। बंटी और उसके साथ के लड़के एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। ढाबे का मालिक अंदर जाकर सो गया। खाना खाने के बाद बंटी बैठकर अपने पिछले दिनों के बारे में सोचने लगा। बंटी एक गाँव में रहता था, उसके माता पिता खेत में मजदूरी करते थे। वह दिन भर अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। कम में भी गुजारा हो जाता था। शहर से उसके पिता का दोस्त गांव में आया और बोला, अरे शहर में तो इतने काम के 400 रुपये रोज मिलते हैं, तुम्हारा बेटा भी अच्छे से पढ़ सकेगा और बड़े सरकारी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई भी होती है। इसके जितने बच्चे तो अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं। बंटी के भविष्य की चिंता उन्हें गांव से शहर ले आई। एक बिल्डिंग में बंटी के पिता और माता को काम मिल गया, वहीं पास ही एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगे। बंटी से उसके पिता ने कहा, बेटा कुछ दिन की बात है, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तेरा स्कूल में दाखिला करवा दूँगा। बंटी भी बहुत खुश था, पिता का वह दोस्त रोज घर आ जाता। शाम को बंटी के पिता उसके साथ जाने लगे, उसने उन्हें शराब पिलाना सिखा दिया। कुछ ही दिनों में बंटी के पिता को शराब की ऐसी लत लगी कि उसने काम पर जाना छोड़ दिया। अब वह दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता। बंटी की माँ मजदूरी करके लाती, तब कहीं चूल्हा जलता। बंटी की माँ घर में क्लेश करती, वह चाहती थी कि सब छोड़कर गांव चलते हैं। बंटी के भविष्य का भी वास्ता देकर शराब छोड़ने के लिए कहती, लेकिन बंटी के पिता पर कोई असर नहीं होता। एक दिन बंटी बाहर खेल रहा था, तभी उसने ज़ोर से चीख सुनी। बंटी जल्दी से भागकर अंदर गया तो देखा कि बंटी के पिता ने उसकी माँ को बुरी तरह से मारा है। माँ बेहोश पड़ी थी, पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही
बंटी का बाप भाग गया। बंटी अब अकेला रह गया। कुछ ही दिनों में पता लगा कि उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है। बंटी की झुग्गी पर किसी और ने कब्जा कर लिया था। बंटी भटकते भटकते इस ढाबे पर पहुंच गया। तब से वह इस ढाबे पर नौकरी कर रहा है। बंटी की आंखों में आंसू आ रहे थे। न वे लोग शहर आते और न ये सब होता, यही सोचकर बंटी रो रहा था। कुछ ही देर में फूल सिंह आ गया और चिल्लाने लगा। बंटी और उसके साथ के दूसरे नौकर जल्दी जल्दी उठकर काम करने में लग गए। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन फूल सिंह के ढाबे पर कुछ अफसर आए। छोटे बच्चों से काम करवाने के कारण उसे पकड़ कर ले गए और साथ में बंटी और उसके साथ के दो नौकरों को भी पकड़ लिया। बंटी से थानेदार ने पूछा, लड़के तेरा गांव कहाँ है और तेरे माँ बाप कहाँ हैं। बंटी ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर थानेदार किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। फिर बंटी को एक एनजीओ की मदद से अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। बंटी अब अनाथ आश्रम में रहता है। वहाँ भी उससे काम करना पड़ता था। इसके साथ बड़े लड़के उसे मारते भी। सब सहकर भी बंटी कुछ नहीं बोलता। बस ये जरूर था कि उसे समय पर खाना मिल जाता। एक दिन बंटी के अनाथ आश्रम में एक थानेदार आया। उसने बंटी से बात की। वह बंटी को अपने साथ ले गया। बंटी के पिता की सज़ा पूरी होने वाली थी। उन्होंने बहुत मेहनत से जेल में काम किया जिससे कि उनके आगे की सज़ा माफ़ हो गई। थानेदार ने तय कर लिया कि वह बंटी और उसके पिता को मिलवा कर रहेगा और उसने बहुत मेहनत की और बंटी और उसके पिता को आखिर में मिलवा दिया। आज बंटी को देखकर उसके पिता उससे लिपट लिपट कर बहुत रोए। वह उन्हें देखकर बंटी भी रोने लगा। उनके पिता को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और इस वजह से उन्होंने जेल में भी काफ़ी अच्छे से बर्ताव किया जिस वजह से उनकी जेल की सज़ा माफ़ हो गई और आखिर में जेल में किए काम के पैसे लेकर बंटी का पिता बंटी के साथ वापस गांव जाने का फैसला करता है। बंटी अपनी माँ को खोकर कुछ साथ में कड़वी यादें लेकर अपने पिता के साथ वापस गांव आ जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।